हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फिफ्थ एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास सेवन्थ से। एंड इसमें हम हाइड्रोस्फेयर या फिर वाटर से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टॉपिक्स देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे ओशनिक करंट्स, वाटर साइकिल हम डिस्कस करेंगे, टाइड्स हो गए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हो, एंड आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वाटर साइकिल। एंड वाटर साइकिल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो आपका वाटर है वो कंटिन्यूसली चेंज करता है अपनी फॉर्म, एंड ये सर्कुलेट करता है बिटवीन ओशंस, एटमोसफेयर एंड लैंड में। सो साइकिल से अगर आप मतलब थोड़ा सा भी अगर आप लो तो मतलब आप एक लूप सा लोगे, मतलब कि इस तरीके से कुछ एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि वाटर है जो अपना जो चेंज कर रहा होता है अपनी फॉर्म। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ओशन, ठीक है। अब यहाँ पर सन है, इसकी वजह से सनरेज आ रही है और इसकी वजह से जो वाटर है जो वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। ये मैंने ले लिया, इवेपोरेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्लाउड फॉर्म हुआ, ठीक है। क्लाउड की वजह से जब एक कंडेंस होगा, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो रेनफॉल हुआ, रेनफॉल की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ से चलो ये मूव कर गया, ठीक है, और यहाँ पर है जो रेनफॉल हुआ, और रेनफॉल की वजह से ये माउंटेन्स के ऊपर रेनफॉल हुआ है मान के चल रहे हैं हम, या फिर यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है। पहले यहाँ पर देखो इवेपोरेशन हुआ, फिर इवेपोरेशन की वजह से यहाँ पर हाइट की वजह से यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो कंडेंस हो गई, जिसकी वजह से आपका क्लाउड्स बना। क्लाउड्स फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव कर गया और यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है, और बारिश की वजह से यहाँ पर ये जो पानी है, बारिश का पानी, ये मिलता है रिवर्स में जाके। या फिर अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाओगे तो यहाँ पर होगा स्नोफॉल, स्नोफॉल की वजह से यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह भी बन जाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये पानी रिवर्स में मिल जाता है और ये रिवर्स जाके मिलती है ओशंस में जाके। अब आप देख सकते हैं वही कंडीशंस आ गई। अब यहाँ से देखो, पहले जो वाटर था यहाँ पर, यहाँ से इन्होंने चेंज फॉर्म की अपनी, ये गए यहाँ पर, पहले ये गैस में गए मतलब, या फिर यहाँ पर इन्होंने अपनी फॉर्म चेंज की, ये क्लाउड्स में गए, फिर यहाँ से फिर से ये यहाँ पर आए और यहाँ पर रेनफॉल हुआ। फिर इस तरीके से देख सकते हो आप कि यहाँ पर एक लूप जैसा बन रहा है, साइकिल जैसा क्रिएट हो रहा है। सो इसको कहा जाता है वाटर साइकिल। एंड आप देख सकते हो कि ये सर्कुलेट कर रहा है, पहले यहाँ पर था ओशन में, फिर उसके बाद गया एटमोसफेयर में एज फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और उसके बाद लैंड के ऊपर आया ये रिवर की फॉर्म में या फिर स्नोफॉल की फॉर्म में। सो इसको कहा जाता है वाटर साइकिल। एंड नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी हम उसमें हम जो पिक्चर दी गई है इसकी, उसमें हम इसको क्लियरली वो कर देंगे, थोड़ा सा और समझा दूंगा मैं आपको। और सैलिनिटी की बात करेगी तो सैलिनिटी का बेसिक सा अगर सिंपल सा एग्जाम्पल ले तो वो होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, ठीक है, जो आपका जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है प्रेजेंट होता है इन 1000 ग्राम्स, ठीक है, जो एवरेज रहता है वो रहता है आपका 35 टू पर थाउजेंड्स, मतलब हर 1000 में आपके 35 मतलब वो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और जो सबसे हाईएस्ट जो सैलिनिटी होती है वो पाई जाती है आपके डेड सी में, जो कि है आपका इसराइल में, और जिसकी जो सैलिनिटी है वो है अराउंड 340 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है, मतलब कि एक लीटर में यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ वो आ जाता है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट आ जाता है, वो है 340, ठीक है, इतना आपको समझ आ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि मैं इसको कंसेप्ट एक और कंसेप्ट समझाना है मेरे को सैलिनिटी से रिलेटेड, वो मैं आपको समझा दूंगा यहीं पर। सो आपको पता है कि जो डेड सी है यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो है अराउंड 340 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है, और यहाँ पर जो कोई भी अगर पर्सन अगर आप देखते हो कि
वो यहाँ पर फ्लोट कर जाता है, यहाँ पर वो डूबता नहीं है। एंड इसके पीछे मेन रीजन ये रहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि कोई भी बॉडी है वो क्यों डूबती है, क्योंकि वो ज्यादा डेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी में कुछ भी डालोगे, फॉर एग्जाम्पल लोहा डाल दिया, आयरन डाल दिया, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, एज कम्पेयर टू आपके जो ये होता है, क्या नाम है इसका, वाटर होता है, इसके कंपैरिजन में जो आयरन की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, ये डूब जाती है। बट वहीं पर अगर आप वुड लोगे तो वुड फ्लोट करती है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। बट जब आप देखोगे, आप यहाँ पर आप सॉलिड लोगे, सॉलिड में देखो आपके जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, क्लोज क्लोज होते हैं। वहीं पर इन कंपैरिजन टू आपका जो वाटर होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी दूर होते हैं। ठीक है, इतना भी दूर नहीं होते, बट होते हैं, दूर होते हैं। और वहीं पर गैस की बात करोगे तो गैस में और ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो बहुत क्लोज था, और यहाँ पर मीडियम था, मतलब मीडियम की मतलब यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा है, देखोगे आप बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे इन दोनों का इंटरमीडिएट था, मतलब दोनों का था। अब जब आप सॉल्ट यहाँ पर जब ऐड होता है तो ये क्या करते हैं, ये जो सॉल्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जो कुछ जो वेकेंट प्लेसेस होते हैं ना, मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है, मतलब वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आप कोई भी पर्सन अगर इसमें तैरेगा तो वो डूबेगा नहीं, मतलब वाटर की जो डेंसिटी है वो इससे ज्यादा हो गई है, मतलब पर्सन से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये डूब नहीं पाता है। ठीक है, और डेंसिटी को आप ऐसे भी ले सकते हो कि कोई जो चीज होती है वो कितनी कॉम्पैक्ट होती है। अब देखो यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट है। वहीं पर इसकी इंटरमीडिएट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो जो डेंसिटी है वो बहुत ही लूज है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा लूज लूज है। बट जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है, बट आपके सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट जो आपके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसमें ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और ये हेल्प करती है फ्लोट करने में जो पर्सन इसमें तैरता है। ठीक है, इतना आपको ये कंसेप्ट आपको शायद समझ आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम वाटर साइकिल के बारे में पिक्चर देखेंगे, सो आप देख सकते हो यहाँ पर है सी, और सी सन की वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन होता है। ठीक है, और सॉइल की वजह से भी इवेपोरेशन होता है, सॉइल में जो आपके वाटर होता है उसके वजह से यहाँ पर देखो सॉइल से वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, और कुछ एक वाटर आपका रिलीज होता है, प्लांट से भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये जो जो रिलीज हुआ है, यहाँ से ये जो वाटर रिलीज हुआ है ये एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्म हुए है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। और क्लाउड फॉर्म होने का रीजन आपको पता ही है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है, आपके जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंस होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपके क्लाउड्स का शेप वो ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ एक टाइम बाद जब ये अपना जो वेट है वो नहीं होल्ड कर पाते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये क्या करती है, ये फॉल करना स्टार्ट कर देती है, और वे फॉल करते हैं इन अ वे ऑफ रेनफॉल। ठीक है, और यहाँ से रिवर्स वगैरह निकलती है कुछ, जब आप देखोगे कि ये जो रेन है ये वापस थोड़ा सा मतलब पानी में चल जाती है, या फिर सॉइल में अंदर चली जाती है, और कुछ रिवर्स में ऐड होता है। ठीक है, और वहीं पर ये वाटर टेबल में भी होता है, और जब ये रिवर्स आपके ओशंस में जाके मिलती है तो देख सकते हो आप यहाँ से एक लूप क्रिएट हुआ, और जिसकी वजह से एक साइकिल सा क्रिएट हुआ, और यहाँ से भी सेम ही क्रिएट हुआ है। सो इसको कहते हैं हम वाटर साइकिल। बाकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले दे दी है इसकी। सो दोस्तों आप देख लेते हैं वाटर बॉडीज, और ये आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये है अफ्रीका, यहाँ पर है इंडिया,
और यहाँ पर है यूरोप, और यहाँ पर है एशिया स्टार्ट होता है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और ऊपर है आर्कटिक। ये तो आपको पता ही है, मतलब ये अगर आपने हमारी पहली वीडियो में हमने उसमें क्लियरली जो मैप सेक्शन है वो भी देखा था हमने। सो आपको पता है यहाँ पर है आपका अटलांटिक ओशन, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये है साउथ अटलांटिक ओशन, और ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है। यहाँ पर है इंडियन ओशन, और ये वही से ये आपको पता है जैसे अर्थ सर गोल है तो इसकी वजह से यहाँ पर भी देखो यहाँ पर आपका नॉर्थ अटलांटिक होगा, यहाँ पर साउथ अटलांटिक होगा। इतना समझ आ गया आपको। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, और ये है आपका कैस्पियन सी। इसमें हम इस मैप में बेसिकली हम जो आपकी वाटर बॉडीज है वो देखने वाले हैं। यहाँ पर है कैस्पियन सी, ये हो गया आपको समझ आ गया। और यहाँ पर जो ये है, ये है रेड सी, ठीक है। और ये है आपका अरेबियन सी, और ये तो आपको पता ही है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर है कैरेबियन सी, ठीक है। मैंने इसका कलर चेंज कर लिया ताकि आपको जो रिवर्स है और लेक्स वगैरह है वो मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं। सो अफ्रीका की बात करें हैं तो अफ्रीका में कुछ जो रिवर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है नाइजर रिवर, यहाँ पर जैसे नाइजर रिवर, और यहाँ पर है कॉन्गो रिवर, और यहाँ पर है ऑरेंज रिवर, ठीक है। हमने अफ्रीका में तीन रिवर्स देखी, एक है नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर और ऑरेंज रिवर, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में है डेरिंग रिवर, डार्लिंग रिवर, इस तरीके से डार्लिंग रिवर, और यहां पर लेक विक्टोरिया भी है, यहाँ पर लेक विक्टोरिया। और इंडिया में तो आपको पता ही है, इंडिया में तीन बहुत सारी रिवर है, जैसे आपके नेक्स्ट जो क्लासेज आएंगे हम उसमें देखने वाले हैं। सो अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर आपको बताइए। और यहाँ पर था ब्लैक सी, और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में पहले तो आपकी आती है मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर। और यहाँ पर पांच जो लेक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इसको याद करने के लिए मैं एक बता देता हूँ आपको, SMHEO, इसको आप याद कर सकते हो स्मियो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एस से है लेक सुपीरियर, ठीक है, और एच से है हुरोन, और लेक्स एम से है मिशिगन, और ई से स्टार्ट होती है इरी, और ओ से स्टार्ट होती है ओंटेरियो। सो ये है हमारी पांच रिवर्स, मतलब लेक्स जो आपके नॉर्थ अमेरिका में है। और यहाँ पर है ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक, और हमने जो पांच लेक्स है वो पहले डिस्कस कर ली है, ठीक है। और साउथ अमेरिका में है आपकी अमेजॉन रिवर जो कि है लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। और इसके बाद कुछ एक जो रिवर है, फॉर एग्जांपल चाइना में वो है हुआंग हे रिवर, हुआंग हे रिवर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है ब्लैक सी के पास, यहाँ पर है दनूबे रिवर। और बाकी जब हम थोड़ी सी मतलब इंटरनेशनल मैप्स या फिर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें भी हम कुछ एक जो वाटर बॉडीज है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो
एक साउथ चाइना सी भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, वो कहाँ पर है। सो ये आपने कई बार अगर न्यूज़ में देखा भी होगा, सो ये है यहाँ पर साउथ चाइना सी। सो दोस्तों आप देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब कि वाटर, हमारी जो वाटर बॉडीज है वो किसकी कितनी परसेंटेज है। तो ओशंस में आपका सबसे ज़्यादा वाटर मिलता है वो है अराउंड 97.3%। फिर है आइस कैप्स में, मतलब जो कि आपके ग्लेशियर्स वगैरह में है, वो है आपका अराउंड 2.0%। एंड ग्राउंड वाटर है अराउंड 0.68%। एंड फ्रेश वाटर एंड लेक्स का है 0.09%। एंड एटमोसफेयर में है अराउंड 0.00099%। इतना। एंड देख सकते हो आपके ओशन का जो पानी होता है वो काफ़ी खारा पानी होता है और सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से आपका ये जो पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता है। एंड मेन जो आपका वाटर आता है वो आता है या तो फिर आइस कैप से हो गया, या फिर ग्राउंड वाटर हो गया, फ्रेश वाटर लेक्स हो गई, ये सब आपके कुछ एक फ्रेश वाटर के मतलब वो है एग्जाम्पल्स हैं। एंड आप देख सकते हो कि हमारे जो ओशन, मतलब जो हमारे जो अर्थ में आपका अराउंड 70% जो आपका वाटर होता है उसमें जो पीने लायक है वो सिर्फ अराउंड, देख सकते हो आप, इतना ही है, 2.0 एंड 0.68, इतना ही है मतलब। एंड मूवमेंट की बात करें हम, कि हमारे जो ओशंस में होते हैं कितने प्रकार की मूवमेंट होती है, तो हमारे जो ओशंस में मूवमेंट होती है वो तीन प्रकार की है। फर्स्ट है वेव्स, सेकेंड है टाइड्स, एंड थर्ड है करंट्स। एंड फर्स्ट जो मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है वेव्स। एंड अगर सिंपल से लैंग्वेज में लोगे, जो आपका ओशन का जो सरफेस होता है उस पर जब वाटर फॉल करता है एंड राइज करता है उसको कहा जाता है वेव्स। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। एंड जब कई बार आपके जो विंड्स हैं जब आपकी स्ट्रांगली ब्लो कर रही होती है, तो ये क्या करती है, ये जो ओशन का जो सरफेस होता है ये इसको खुरेती है, और क्या करती है, जो वेव्स है वो क्रिएट करती है। इसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती है जब आपकी विंड्स हैं जो स्ट्रांगली ब्लो कर रही होती है, और इसके वजह से आपके वेव्स क्रिएट होती है। एंड अदर भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी वेव्स क्रिएट होती है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक्स हो गए, या फिर सुनामी हो गई, या फिर वोल्केनोज हो गए, इनकी वजह से जो आपके वेव्स क्रिएट होती है, इनकी वजह से भी आपके वेव्स। और ये रीजन हमने पहले डिस्कस कर लिए है कि फॉर्मेशन के लिए आपके कौन कौन से रीजन है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए, एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स हो गई, ये भी आपके मेन रीजन रहते हैं आपके वेव्स क्रिएट होने में। एंड नेक्स्ट जो है आप मूवमेंट है वो उसका नाम है टाइड्स। टाइड्स होता है आपका रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। मतलब कि जो आपका रिदमिक राइज और फॉल होता है आपका ओशन के वाटर में, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका वाटर लेवल, ठीक है, यहाँ पर अभी हाई है मतलब, और कुछ टाइम बाद यूं रहेगा, मतलब इसकी वजह से ऐसे ही मतलब रिदमिक रहता है, मतलब रिदमिक मतलब कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसकी वजह से या कि इसको कहा जाता है टाइड्स। और ये टाइड्स क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन और मून की वजह से, ये जो टाइड्स होती है बेसिकली क्रिएट होती हैं। सो इनको जब हम नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें भी डिस्कस करने वाले दिखाऊंगा मैं कि कैसे क्रिएट होती हैं। एंड हाई टाइड वो कंडीशन होती है जब आपके जो वाटर होता है कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। एंड लो टाइड वो कंडीशन होती है जब आपके जो वाटर का जो लेवल होता है वो काफी फॉल कर जाता है, और इसको कहा जाता है लो टाइड्स। एंड जो हाई टाइड्स होती है वो हेल्प करती है आपके, यूजफुल होती है आपके नेविगेशन में। सो ये देख सकते हो आप हाई टाइड यहाँ पर, और ये है आपके लो टाइड्स। यहाँ पर देख सकते हो आप जो वाटर है इसका जो लेवल है वो बढ़ गया है, और इसके कहा जाता है हाई टाइड। एंड ये है आपका लो टाइड, यहाँ पर जो वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया है, जिसको कहा जाएगा लो टाइड। मतलब बेसिकली कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन होती है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका अर्थ, और यहाँ पर देख सकते हो आप, या फिर यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर सो यहाँ पर होंगे हाई टाइड, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लो टाइड्स। सो दोस्तों आप डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके जो टाइड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग टाइड्स या फिर नीप टाइड्स, ये कैसे क्रिएट होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, अगर आपने ग्रेविटेशन फोर्स नहीं पढ़ी है, सो मैं अगर सिंपल सा बताऊं तो एक अट्रैक्शन की तरह काम करती है, जिसका जो आपका ज़्यादा मास होगा या फिर ज़्यादा बड़ा होगा उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मतलब अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड आपको पता है कि जो मून है वो थोड़ा सा मतलब वो होता है, मतलब छोटा साइज होता है, एंड अर्थ का बड़ा होता है, एंड उसके बाद सन का मतलब सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। एंड अगर हम स्प्रिंग टाइड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका सन, ठीक है, और ये है आपका मून, और ये है आपका अर्थ, ठीक है। इतना समझ आ गया। अगर आप देख सकोगे तो ये मैंने अभी न्यू मून की कंडीशंस बनाई है। न्यू मून की कंडीशंस में ऐसा होता है कि आपका जो मून होता है वो विजिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखोगे आप तो सिर्फ इस वाला जो पोर्शन है वो आपका मतलब यहाँ पर सनरेज होगी, बाकी ये जो पार्ट है आपका ब्लैक दिखेगा पूरा। सो इसको कहा जाएगा न्यू मून, यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है वो होता है न्यू मून क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो दो लार्जर बॉडीज हैं वो क्या कर रही है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, जिसकी वजह से क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जिसकी वजह से वाटर क्या होगा इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यूं, और ये है आपकी स्प्रिंग टाइड। या दूसरी अगर हम बात करें, न्यू मून की बात करें, फुल मून की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यहां पर है सन और यहां पर है अर्थ और यहां पर है मून, ठीक। कितना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देख सकते हो आप दो बॉडीज आपस में, मैंने बताया ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स मतलब मेन ये अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। सो इसकी वजह से वाटर इस तरफ से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। यूं, और जिसकी वजह से फिर से स्प्रिंग टाइड की कंडीशंस होगी, और यहां पर जो मून है वो है आपका फुल मून। फुल मून मतलब कि फुल मून है वो फुली विजिबल है, ठीक है। ये है स्प्रिंग टाइड की कंडीशंस, आप यहां पर देख सकते हो। एंड अगर वहीं पर बात करें हम निप टाइड की बात करें, तो निप टाइड में ऐसा होता है कि अब देखोगे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टर है यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों की कंडीशंस इस तरीके से हैं कि ये आपस में काउंटर बैलेंस करते हैं आपस में एक दूसरे को। सो यहाँ पर जो जो रहेगा वो लो रहेगी, और जिसकी वजह से अब आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ, मान लो यहाँ पर है सन, यहाँ पर है अर्थ और यहाँ पर है मून, ठीक है। मून क्लोज होने की वजह से इसका जो ग्रेविटेशन पुल है वो काफी है, मतलब सो इसकी वजह से यहाँ पर जो कंडीशंस यहाँ पर रहेंगे लो टाइड, और यहाँ पर देख सकते हो आप इस तरीके से यहाँ पर कुछ एक कंडीशंस बनेगी लो टाइड की कंडीशंस। एंड वहीं पर आप यहाँ पर भी देख सकते हो थर्ड क्वार्टर मून में भी सेम कंडीशंस रहती है। एंड यहाँ पर दो देख सकते हो आप ऑपोजिट डायरेक्शंस में है दोनों, मतलब ये आपस में काउंटर बैलेंस करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर वो हो जाएगा, मतलब कि मतलब ऑपोजिट से मतलब लो टाइड की कंडीशंस बनेगी, या फिर नीप टाइड कह सकते हो आप। होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। सो ये है आपका थर्ड जो मूवमेंट है वो है आपका ओशन करंट्स, एंड ये है इसका डायग्राम। एंड ये जो ओशन करंट्स हैं हम आपको लेटर क्लासेस में दिखाएंगे, बट अभी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट कंसेप्ट हो सकता है। सो हम इसको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। सो अगर हम ओशन करंट्स की बात करें, ये होती है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड ओशन करंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ओशंस, ठीक है। इसके ऊपर कुछ एक जो वाटर की जो स्ट्रीम्स है वो फ्लो कर रही होती है, एंड इसको कहा जाता है ओशन करंट्स। और ये
फ्लो करती है डेफिनेट डायरेक्शंस में, ठीक है। और इसका जो आउटकम ये रहता है कि ये जहां पर भी फ्लो कर रही थी, जिस डायरेक्शन में या फिर जिस एरिया में ये जाती है, वहां के जो टेम्परेचर कंडीशंस है वो चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर ये हॉट करंट्स है, हॉट ओशन करंट्स है, तो ये जहां पर भी जाएंगे तो यहाँ पर ये वहां की जो टेम्परेचर की जो कंडीशंस हैं वो उनको मतलब वार्म कर देंगे, ठीक है। एंड अगर ये कोल्ड होंगे, कोल्ड करंट्स होंगे, तो ये क्या करेंगे, जहाँ जिस एरिया में जाएंगे वहां के जो टेम्परेचर की जो कंडीशंस हैं वो और कोल्ड कर देंगे, ठीक है। और जहां पर कोल्ड और हॉट ओशन करंट्स मिलते हैं, वहां पर फॉगी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। एंड सो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी और सन, मून और विंड, ये इन्फ्लुएंस करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया, इसको हम फर्दर की जो क्लासेस होगी उसमें भी हम डिटेल में देखेंगे इनको। सो आगे देख लेते हैं अगली स्लाइड। सो ओशन में आपके दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, मोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा है वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल आपको पता है क्या होता है, और वर्टिकल भी आपको पता ही है। हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होता है कुछ इस तरीके से। एंड जब ओशन जो वाटर है वो इसी डायरेक्शन में मतलब इस तरीके से मूव कर रहा हो, तो उसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन, और जब कुछ इस तरीके से मूव कर रहा हो तो उसको कहा जाएगा वर्टिकल मोशन। सो आपने जैसे कि हमने पहले देख लिया, हमने तीनों मूवमेंट डिस्कस कर लिए है, हमने करंट्स डिस्कस कर लिए, हमने वेव्स डिस्कस कर लिए, हमने टाइड्स डिस्कस कर लिए है। सो देख सकते हो आपकी करंट्स हैं, एंड चाहे हो गया आपके वेव्स, ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन को, ठीक है। वहीं पर जो टाइड्स हो गई, ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल मोशन को। अब वो कैसे, अब टाइड्स में आप देख सकते हो कि वाटर का जो लेवल है कभी बढ़ता है, मतलब बढ़ता है तो कभी उसका घट जाता है, ठीक है। सो देख सकते हो आप, पहले इतना था फिर इतना था, सो इसको कहा जा सकता है वर्टिकल मोशन। बट वहीं पर जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन में देखो आप ओशन करंट्स में जो आपके ओशन वाटर के ऊपर, ओशन सरफेस के ऊपर कुछ एक मतलब स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लो कर रही थी, तो इसको कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही थी, तो इनको कह सकते हैं हम ओशन करंट्स, ठीक है। और वेव्स भी आप देख सकते हो, आप वेव्स यूं मूव कर रही है, यूं मूव कर रही है, सो इसको कह सकते हैं आप वेव्स में भी आपका हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, ठीक है। एंड अब देख लेते हैं हम कि जो सॉल्ट वाटर रहता है वो सॉल्टी क्यों होता है। सो जब रेन आपकी फॉल करती है, तो ये आपके जब माउंटेन से होकर गुजरती है, तो ये क्या करती है, कुछ एक जो रॉक्स होती है या फिर मिनरल्स होती है, ये क्या करती है, इनको ब्रेक करती है और अपने साथ कैरी करके लेके चलती है, ठीक है। और इनको क्या करती है, जो सॉल्ट्स और मिनरल्स जो इन्होंने कैरी किए होते, दे डिजॉल्व इन स्टेट कॉल्ड आयंस, और ये जो आयंस होते हैं ये आपके स्ट्रीम्स में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से ये लास्टली जो ज्वाइन होते हैं आपके, वो ज्वाइन होते हैं ओशंस में। सो अगर आप देखोगे, फर्स्ट के रेन से फ्लो होते हुए रिवर्स में आए, और रिवर्स से सीधा ये कनेक्ट हो गए ओशंस में। सो रिवर्स ने आपका इरोड किया मिनरल्स को, रॉक्स को, जिसकी वजह से कुछ एक जो सॉल्ट्स थे इसमें डिजोल्व हो गए, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ आयंस, और ये लास्टली डिपॉजिट हुए ओशंस में। सो इसकी वजह से मेन रीजन रहता है कि जो आपका जो सॉल्ट वाटर होता है वो ओशन जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है।